अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फरहीन कुकिंग्स फॉर यू यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके साथ आलू मसाला पुलाव की एक बेहद मज़ेदार रेसिपी शेयर करूंगी। तो इसे आप बहुत ही आसान तरीके से झटपट मिनटों में आप इसे बना सकते हैं। तो फिर चलिए ये मज़ेदार आलू मसाला पुलाव की रेसिपी हम शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले चैनल पर आप जनाब नए हैं तो चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर लें और इसी के साथ ही बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि मेरी नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। तो बढ़ते हैं रेसिपी की तरफ। तो ये मैंने चूल्हे पर बर्तन रख दिया है। तो इसमें हम सबसे पहले कुकिंग ऑयल डालेंगे जो कि मैंने 1/4 कप लिया है। ऑयल को हमें अच्छे से गरम कर लेना है। जब ये अच्छे से गरम हो जाएगा तो इसमें हम ये दो तेज पत्ते ऐड कर देंगे। और इसके बाद ये देखिए, ये मैं इसमें डाल रही हूँ एक बड़ी इलायची और ये दालचीनी की स्टिक भी मैं इसमें डाल रही हूँ जो कि ये मैंने 1 इंच की ली है। और ये एक बादियान भी हम इसमें डाल देंगे। और इसके बाद देखिए, ये मैं इसमें डाल रही हूँ 4 लौंग। तो ये 7 से 8 मैंने काली मिर्च ले लिए, तो इसे भी हम इसमें ऐड कर देंगे। और अगली चीज जो इसमें हम ऐड करेंगे वो है साबित जीरा। तो ये मैंने 1/2 टीस्पून इसमें ऐड किया है। तो इन सभी साबित मसालों को हम बस कुछ सेकंड्स के लिए भून लेंगे। और जब ये थोड़ा सा भून जाएंगे तो हम इसमें ये 1 मीडियम साइज की बारीक चॉप की हुई प्याज ऐड कर देंगे। प्याज को हमें लाइट गोल्डन सुनहरा होने तक हमें इसे नहीं भूनना है, बस इसे हमें सॉफ्ट कर लेना है। और जैसे ही ये प्याज हल्की सी सॉफ्ट हो जाएगी तो इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे। तो यहाँ देखिए, प्याज हमारी सॉफ्ट हो चुकी है, तो इसमें हम ये अदरक लहसुन का पेस्ट अब ऐड कर देंगे जो कि मैं 1 टेबल स्पून इसमें ऐड कर रही हूँ। तो ये अदरक लहसुन के पेस्ट को हम हल्का सा भून लेंगे। इसका जो कच्चापन होता है वो खत्म होने तक इसे हमें भून लेना है। तो ये अदरक लहसुन का पेस्ट हमारा भुन चुका है, तो इसमें मैंने ये 4 हरी मिर्च ऐड कर दी है जिसको मैंने बीच से चीरा लगा लिया था। तो इसे भी बस हमें हल्का सा भून लेना है। और जैसे ये थोड़ी सी भुन जाएगी तो इसमें हम ये आलू ऐड कर देंगे जिसको मैंने इस तरह से कट कर लिया है। तो ये जो आलू की क्वांटिटी है, ये मैंने 4 मीडियम साइज के आलू लिए हैं जिसको मैंने वेजेस की शक्ल में कट कर लिया है, तो इसे हमें ऐड कर देना है। तो इन आलुओं को हमें मीडियम फ्लेम पर 1 से 1.5 मिनट के लिए हल्का सा भून लेना है। तो इन आलुओं को मैंने हल्की फ्लेम पर थोड़ा सा भून लिया है, तो अब हम इसमें ये टमाटर ऐड कर देंगे। तो ये जो टमाटर है, ये मैंने 2 मीडियम साइज के लाल टमाटर लिए हैं, इसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है, तो इसे हमें ऐड कर देना है। और टमाटर ऐड करने के बाद इसमें हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो ये मैंने इसमें ऐड कर दिया है 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर और नमक मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून और 1 टीस्पून ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ रेड चिली पाउडर और ये 1/2 टीस्पून मैंने इसमें ऐड कर दिया है कश्मीरी लाल मिर्च और गरम मसाला पाउडर हम इसमें ऐड कर देंगे 1/2 टीस्पून और ये मैंने 1 टीस्पून इसमें ऐड कर दिया है धनिया पाउडर और ये 1/2 टीस्पून मैंने इसमें ऐड कर दिया है सौंफ का पाउडर। इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आती है पुलाव में। तो अब हम इन सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और जब तक ये टमाटर हमारे सॉफ्ट नहीं हो जाते अच्छी तरह से, तब तक हमें इसे पकाना है मीडियम टू लो फ्लेम पर। तो चलिए, यहाँ देखिए हमारे जो टमाटर है वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं, तो इसमें अब हम दही ऐड कर देंगे। तो दही मैंने 1/2 कप लिया है, इसे हमें अच्छे से फेंट लेना है और फिर हमें इसमें ऐड कर देना है। दही को हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से सारे मसालों में और फिर बस इसे हमें 1 से 1.5 मिनट के लिए अच्छे से पका लेना है। तो ये देखिए, दही हमारी अच्छे से पक चुकी है और जो ऑयल है वो भी सेपरेट हो चुका है। तो अब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। तो पानी हमें चावल की क्वांटिटी का दुगना इसमें ऐड करना है। जैसे कि मैंने 1 गिलास चावल लिया है तो इसमें हम 2 गिलास पानी का ऐड कर देंगे। तो ये मैंने 1 गिलास पानी का इसमें ऐड कर दिया है और ये दूसरा गिलास भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। तो पानी ऐड करने के बाद इसे मैंने चेक कर लिया था, तो इसमें मुझे नमक थोड़ा सा कम लग रहा है, तो इसमें मैंने 1/2 टीस्पून नमक और ऐड कर दिया है। तो बस अब हम इसकी लीड बंद कर देंगे और गैस की फ्लेम को हम हाई कर देंगे ताकि पानी में जल्दी से बॉईल आ जाए। और पानी में जब बॉईल आ जाएगा तो इसमें हम चावल ऐड कर देंगे।
तो 5 मिनट इसे हाई फ्लेम पर पकाने के बाद देखिए पानी में बॉईल आ चुका है, तो इसमें अब हम चावल ऐड कर देंगे। चावल को मैंने आधा घंटा पहले अच्छी तरह से धोकर इसे भिगो कर रख दिया था। चावल भिगोने से जो है वो बहुत ही अच्छे बनते हैं। तो ये सारे चावल मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं, तो इसे बस एक बार हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। और फिर इसकी लीड हम बंद कर देंगे और इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पर हम इसे पकने के लिए छोड़ देंगे, तब तक के इसका पानी जो है वो सारा ड्राई नहीं हो जाता। तो अब देखिए ये 5 से 7 मिनट मैंने इसे पकाया है और इसका लगभग पानी जो है वो ड्राई हो चुका है। तो बस एक बार हमें इसमें चम्मच चला लेना है और फिर इसकी लीड हमें बंद कर देनी है। गैस की फ्लेम को हमें लो कर देना है। लो फ्लेम पर हम इसे 5 से 7 मिनट के लिए दम दे देंगे और जैसे ये चावल दम हो जाएंगे 5 से 7 मिनट में, तो ये हमारा पुलाव बनकर तैयार हो जाएगा। तो 7 मिनट इसे दम देने के बाद देखिए ये जो आलू का मज़ेदार पुलाव हमारा बनकर तैयार हो चुका है। तो इसे हम डिश आउट कर लेते हैं। तो लीजिए तैयार है हमारा आलू मसाला पुलाव, जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़े का, बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी बना है। तो अगर आपके पास टाइम की कमी है तो आप इस रेसिपी को बना सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी बन जाने वाली रेसिपी है। तो इस रेसिपी को आप बहुत ही आसान तरीके से मिनटों में आप इसे बना सकते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा मज़े का भी बनता है। तो रेसिपी को आप ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। तो मिलते हैं किसी और मज़ेदार रेसिपी के साथ। फरीन को दीजिए इजाज़त अगली वीडियो तक। अल्लाह हाफिज़।